वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। यार मेरा करवा चौथ का ब्लॉग थोड़ा लेट आया क्योंकि वो रात को ना लेट आए, 10:30 आए, तो ब्लॉग नहीं डाल पाई, सुबह डाला तो आप लोग के पास थोड़ा लेट पहुंचा, सॉरी उसके लिए। आज मैं अपनी शुरुआत यहाँ से कर रही हूँ। गेहूँ का कटा आया कंट्रोल से तो उसको धो रही हूँ। गाँव में बहुत से लोग नहीं धोते, मैंने धोते हुए देखा भी नहीं गाँव में, तो ऐसे ना कंट्रोल के गेहूँ को धोना चाहिए क्योंकि इसमें इतनी गंदगी आती है बहुत ज़्यादा। कोई मेरा फोन कैमरा पकड़ने वाला होता तो मैं आपको दिखा दी कितनी गंदगी आती है। लेकिन अब मैं गेहूँ को धो लूँ, धूप आई है बहुत अच्छी, और सुखा लेती हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखती हूँ क्या क्या होता है। आप लोग भी हमारे साथ ऐसे बने रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अंत तक देखें। थैंक यू सो मच जो इतने लोग आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए। और ये चालनी है, ये देखो चालनी है जिसमें धोती हूँ। इस चालनी में पानी निथर जाएगा और वहाँ सुखा दूँगी, ठीक है। सुखा देती हूँ कंट्रोल से। ये है यार, किसी का राशन कार्ड लेके, ये जय जवान जय किसान। अब बाप जी को बुला दी। देखो दोस्तों कितना गंदा पानी आ रहा है इसमें। देखो अभी वैसे गेहूँ बहुत साफ है, देखने में बहुत साफ है। देखो आपको दिखा रही हूँ कंट्रोल में, तो वैसे पता नहीं कितने दिन का, इसमें दवाई भी रहती है तो धोना बहुत ज़रूरी होता है। देख गेहूँ बहुत साफ है लेकिन फिर भी इसमें इतनी गंदगी आ रही है। देखो तो दोस्तों गेहूँ धो लिया देखो, और 1.5 घंटा हो गया मेरे को गेहूँ धोते धोते। भाभी जी गम में बैठी है बाथरूम में, अभी कपड़े धो रही है। इनकी बहन का जो है ऑपरेशन हो रहा है ना, इसलिए तो 1.5 घंटे में जाके मैंने आज गेहूँ धोए। देखो कितने सारे आया भी नहीं है, अब जा रही हूँ नहाने के लिए। भाभी करूँ यार, भाभी रहने दो, आप रात भर लेट पर लेट लेट रात को कह रही है, रात को लेट पर काम करना है। अब जा रही हूँ नीचे, बोरी को भी धो के रख देती हूँ। गेहूँ तो देखूँ शाम तक सूखते हैं कि नहीं दिखते हैं। अब कपड़े धोने, नहाना धोना सारा काम है, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। तो 2 बज गए आज, बंदर ना तो मेरे को खाना खाने दे रहे, ना ही मेरे को बाल बनाने दे रहे। बड़ी मुश्किल से तो कपड़े धोए, देखो सारा गेहूँ खा गया। बीच बीच में से कम 2-3 किलो गेहूँ खा गया, और आ रहा नीचे से देखो, आधे बंदर इधर को भग गए, आधे बंदर इधर को भग गए। आज मेरे को एक दिन भर धूम में मारने वाले हैं बंदर। सारे गेहूँ खा गया देखो, बीच बीच में से कम 2-3 किलो गेहूँ सफा कर गए। अब पटाखा लेके आती हूँ, 2-4 पटाखा फोड़ती हूँ, नहीं तो आज मेरी जान खा जाएंगे। और खाने को और आ रहे हैं, आ रहा, आजा आजा, देख तेरे को दूँ गेहूँ, आ ये मेरे को खावा आ रहा है, आ इधर खाने को कैसे आ रहा साला। अरे ना मेरे को आज मेरे को गेहूँ ना खाने दे, दूंगी दारी के की। आंटी जी बोलती है दारी के की। 3 बज गए मैं क्या करूँ, खाना भी नहीं खाया अभी तक, सारा गेहूँ खा गया। नीचे जा रहे, ऊपर बंदर आ जा रहे हैं। कैसे गेहूँ धोया, किसी से राशन कार्ड मांग के फिर जाके 60 किलो गेहूँ धोया है। कोई कहे को 60 किलो, देखो बीच बीच में से सब खागा। अब ये धूप में मेरे को ऊपर ही बैठना, खाना भी नहीं खाना, बाल भी ऐसे ही रहेगा। ऐसा गेहूँ धोया क्या करूँ, बच्चे नीचे रो रहे, मैं ऊपर रो रही हूँ छत पे। ये सब गेहूँ खा गया देखो, ये मेहनत से धोया था मैंने। गया भी आधा उधर को गया, आधा उधर को गया, आधा इधर को गया, फिर मैं भी दर्द हो गया धूप में ठड़ी खड़ी। ऐसे गेहूं सुखाए जाते हैं क्या? दे दारी का। जिन्होंने मेरा पसीना चढ़ा दिया, डर और ना रहे मेरे से, अगर हाथ पड़ जाए तो मैं इनके कमर तोड़ दूं, पर हाथ ही नहीं पड़ रहे। सारा गेहूं खा गया मेरा, ये चोर फैला दिया सारा गेहूं, मैं ईंट के टुकड़े ले गया हूँ सालों।